Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope all of you are well. Today we are going to begin English word book. In this lecture students, we will learn pages number 1, 2, 3 and 4. Are you ready? Okay, so we start. In first page of your book, vowels. Do you know there are 5 vowels? A, E, I, O, U. तो चले बच्चों अब हम इस पेज में देखते हैं कि वॉवल्स का यूज कैसे किया गया है. हम इन पिक्चर्स का को पढ़ेंगे. फर्स्ट पिक्चर क्या है हमारे पास? मैंगो. नेक्स्ट कार. थर्ड फ्लावर. फोर्थ ट्री. नेक्स्ट है एप्पल. ट्रेन. बाईसाइकिल. रॉकेट. टेलीफोन. फैन. बैट. ग्लासेस. Our first part is underline the words in each vowels. अब आपने ये जो objects हैं इनमें vowels use हुए हुए हैं आपने इनको underline करना है. First में है mango, M-A-N-G-O. तो M क्या है बच्चों? Consonant है और A इसमें क्या है? Vowel है. N-G consonant है और O क्या है? Vowel है. इनको अंडरलाइन करना है. इसी तरह next में car है, आपने A को underline करना है. Flower है, O and E दोनों को आपने अंडरलाइन करना है. फोर है, ट्री है, इसमें डबल E को आपने अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट एप्पल, अंडरलाइन A एंड E. नंबर सिक्स ट्रेन, A एंड I. नंबर सेवन बाईसाइकल, I एंड E. नंबर एट रॉकेट, नाइन. नंबर नाइन पे टेलीफोन है बच्चों. इसमें अगर आप देखें तो E T E L E P H O N E. तो इसमें E को आपने फर्स्ट E को अंडरलाइन करना है, फिर आपने L को छोड़ देना है. नेक्स्ट E, P H को छोड़ के आपने O एंड फिर N को आपने छोड़ के E. तो इसमें टेलीफोन में हाउ मेनी वॉवल्स? फोर वॉवल्स. ओके. नेक्स्ट पैन, A. इलेवन पे है बैट, A. नंबर ट्वेल्व क्लासेस, A एंड E. बच्चों आपने इसी तरह वॉवल्स को अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट पार्ट है सर्कल द वर्ड्स दैट डू नॉट हैव वॉवल्स. अब आपने बच्चों नेक्स्ट पे उनको सर्कल करना है जिसमें वॉवल्स यूज नहीं हो रहा. जैसे फर्स्ट अगर देखें तो कैच है, सी ए टी सी एच. तो ए है, इसमें हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ए वॉवल है. नेक्स्ट में है फ्राई, उसको सर्कल करेंगे, बिल्कुल उसमें वॉवल नहीं है. नेक्स्ट है विद, आई यूज हो रहा है. ईट में ए, ई और ए दोनों यूज हो रहा है, नहीं करेंगे सर्कल. फैन को भी नहीं करेंगे, यूपी अप को भी नहीं करेंगे, बी वाई को यस करेंगे. आर यू एन रन नहीं करेंगे, सी आर वाई क्राई यस करेंगे. एच ए टी हैट को नहीं करेंगे, बी डब्ल ओ के बुक को भी नहीं करेंगे, टी आर वाई ट्राई को करेंगे क्योंकि इसमें वॉवल नहीं है. टी ए पी टैप को नहीं करेंगे क्योंकि इस पे है. तो बच्चों ये वाले दोनों क्वेश्चन आपने अपने इस पेज के ऊपर, बुक के ऊपर करना है. साथ में मैंने आंसर लिख भी दिए हैं और मुझे उम्मीद है आपको वैसे भी समझ आती होगी क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो. अब बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ते हैं जो कि एक बॉक्स दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स आपको गिवन है. उधर देखे रैट, एप्पल, गन, ऑरेंज, रैबिट, बटर, कार, रिवर, कैट, बनाना, आउल, बोर्ड, कोट, रोबोट, चार्ट. तो इस तरह के कुछ आपको वर्ड्स गिवन है. अब हमने इसमें करना क्या है तो चलें हम पार्ट ए को देखते हैं. हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द बॉक्स अबव दैट स्टार्ट विद आर ओ ए सी एंड बी. अब बच्चों हमने उन वर्ड्स को इसमें सिलेक्ट करना है जो कि वर्ड इन R, O, A, C एंड B के साथ स्टार्ट होते हैं. तो वो कितने वर्ड्स हैं? अब हम बच्चों अगर देखें R के वर्ड्स को तो रैट हमारे पास यूज हुआ था, रैबिट है, रिवर है और रोबोट है. तो हाउ मेनी वर्ड्स? फोर वर्ड्स. फोर वर्ड्स ऑफ R. इसी तरह बच्चों अगर हम O को देखते हैं, ऑरेंज है हमारे पास तो कितने वर्ड्स हो गए? ऑरेंज और आउल, टू वर्ड्स हो गए हैं. ठीक है. इसी तरह नंबर थर्ड पे अगर देखते हैं हमारे पास ए के साथ कितने वर्ड्स यूज हो रहे हैं? ए के साथ एक एप्पल है, बाकी आप सर्च करें कोई नहीं है ना, तो वन वर्ड ऑफ ए है. इसी तरह इसके साथ देखें सी के साथ अगर आप सर्च करें तो सी के साथ हमारे पास है कार है, कैट है, कोट है,
चार्ट है तो फोर वर्ड्स है, ठीक है। इस तरह अगर आप बी के साथ सर्च करो तो बी के साथ है बटर है, बनाना है, बोट है, तो कितने हुए, थ्री वर्ड्स, तो आपने इन बॉक्सेस में लिखना है, ठीक है। बी पार्ट में है मेक वर्ड्स बिगिनिंग विद द फॉलोइंग लेटर्स। अब आपने बच्चों इन लेटर्स के साथ स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखने हैं, या आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे जी के साथ है गोट है, गेम है, गैस है, गन यूज होता है, इस तरह कुछ भी आप वर्ड्स लिख सकते हो। एस के साथ स्टार्ट होते हैं सम है, सो है, सन है, कुछ भी, ठीक है। इस तरह एफ के साथ है फैन, फ्लावर, फोर, फार, कुछ भी, ठीक है, आप लिखते जाओगे। ए के साथ एप्पल, अल्लाह, आंट, एरोप्लेन। आर के साथ रेड, रिवर, रैबिट, रन। तो ये वाले वर्ड्स आप इनके अलावा भी लेकिन होना ये चाहिए बच्चों कि इस लेटर के साथ स्टार्ट हो, तो आप कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो। ये पेज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसको भी आपने अपनी बुक के ऊपर करना है। इस पेज पे बच्चों कुछ आपको जंबल्स वर्ड्स दिए हुए हैं और साथ में उनकी पिक्चर भी दी हुई है, तो आपने उनको रीअरेंज करके सही तरह लिखना है। जैसे कि फर्स्ट अगर पिक्चर देखें तो किस चीज की है, यस ग्रेप्स की, तो इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपने ग्रेप्स के सही स्पेलिंग्स लिखने हैं। नेक्स्ट मून, एम डबल ओ एन मून। नेक्स्ट कप, सी यू पी कप। स्टार, एस टी ए आर स्टार। बी ओ एक्स बॉक्स, बी ए जी बैग। आयरन, आई आर ओ एन आयरन। पी ई एन सी आई एल पेंसिल। सी ए आर कार और बी यू एस बस। तो इनके स्पेलिंग्स में मिस्टेक है, आपने करेक्ट स्पेलिंग्स इनके लिखने हैं। ये पेज भी आपको अच्छी तरह आ गया होगा, इसको भी आपने अपनी बुक के ऊपर करना है। पेज नंबर फोर में बच्चों हम पोजिशन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज किधर है, ठीक है, तो चले पढ़ते हैं। इसमें है ए फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टार। अब आप देखें नंबर वन अगर एक जार है, उसमें जो है ना वो अगर एक देखें टॉफी है वो उसके अंदर पड़ी हुई है। नेक्स्ट में देखें वो साथ में पड़ी हुई है। थर्ड नंबर पिक्चर में अगर देखें तो वो उसके ऊपर पड़ी हुई है। तो चलें अब हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स में करते हैं। द टॉफी इज डैश द जार, तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, इन द जार, उस जार में है। नेक्स्ट में द टॉफी इज डैश द जार इज नियर, साथ में है, नजदीक है उसके। थर्ड में अगर देखें, थर्ड पिक्चर को भी देखें, द टॉफी इज डैश द जार इज ऑन द जार, तो आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट बी है, राइट डाउन सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर्स यूजिंग ऑन, इन और नियर। इनके साथ जिस तरह आपने ऊपर किया हुआ है, अब ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इस इन बॉक्सेस के साथ आपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देखें कि बच्चों वो कहाँ है, ये उसी तरह फर्स्ट उसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट में उसके साथ पड़ी हुई है और थर्ड में उसके ऊपर है। ये कुछ नंबरिंग आपको आगे पीछे उन्होंने दी हुई है। नंबर फर्स्ट पे आप देखें द टॉफी इज इन द बॉक्स, यस। नंबर सेकंड पे देखें द टॉफी इज नियर द बॉक्स, एंड नंबर थर्ड द टॉफी इज ऑन द बॉक्स। ये साथ में मैंने इसका सोल्यूशन लिख भी दिया है, आपने अपनी बुक के ऊपर ये करना है। अब बच्चों आपको 1 to 4 पेजेस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने 1 to 4 पेज डू ऑन बुक, आपने अपनी बुक के ऊपर करना है, एंड सेंड मी होमवर्क पिक्चर, ओके। सी यू अगेन इंशाल्लाह।